नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आधार स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का सेशन प्रारंभ है। ये उसका अगला भाग है। दोस्तों, ये जो सेशन है वो 8-10 मिनट का होता है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन करते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, हो सकता है आगे की एग्जामों में भी पूछे जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु। आज हम जो 20 क्वेश्चन करने वाले हैं वो जलवायु से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बार किसी न किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे व अकाल का प्रमुख कारण क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पटवार में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे व अकाल का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका कारण है अनियमित वर्षा। जैसे वर्तमान स्थिति में भी आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे बहुत कम बारिश हो रही है। तो यही राजस्थान में अकाल व सूखे का प्रमुख कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है तो वह है, तो किस जिले में न्यूनतम वायुदाब मतलब कम वायुदाब संभव होता है, तो वो होता है किसमें, जैसलमेर में। जैसलमेर में इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसके कारण से वहाँ पर वायुदाब में कमी हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है मावठ क्या है। दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग देखोगे लगभग हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मावठ क्या है, और आप लोगों को सबको पता भी होगा। तो इसका सही आंसर है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। कौन सी? शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों का उत्पत्ति होती है, मतलब जो मावठ के लिए जो विक्षोभ उत्पन्न होते हैं वो कौन सी जगह से उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर है भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर। कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर से और कैस्पियन सागर से ये विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र स्थान मतलब सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, तो वो है माउंट आबू। माउंट आबू को सबसे अधिक आर्द्रता का स्थान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला, ये ध्यान रखना, वो जो पहले क्वेश्चन था वो आर्द्र स्थान के लिए था, ये पूछा गया आर्द्र जिला, सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, तो आर्द्र जिला झालावाड़ है। झालावाड़ में ही सबसे अधिक बारिश भी होती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। ध्यान रखना इसमें भी दोनों पूछे जाते हैं, गर्म स्थान भी पूछा जाता है और गर्म जिला भी पूछा जाता है। तो सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक गर्म जिला जो है वो चूरू है। चूरू में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का सर्वाधिक शुष्क स्थान, ध्यान रखना सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, तो वो है फलोदी। फलोदी राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान किस कटिबंध में स्थित है, किस ताप कटिबंध में स्थित है। तो राजस्थान जो है वो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। किसमें? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। क्या है ये उष्ण शीतोष्ण कटिबंध? तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आप लोगों को पता है कि राजस्थान जो है, जैसे मान लो ये राजस्थान है तो इधर से कर्क रेखा गुजर रही है यहाँ से, तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर है, यानी उत्तर दिशा की ओर है। कर्क रेखा से उत्तर दिशा की ओर है, तो कर्क रेखा से उत्तर दिशा की ओर क्षेत्र आता है उसे हम उष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो उस कटिबंध में ये स्थित है। केवल देखेंगे तो अपन ये देखो थोड़ा भाग जो डूंगरपुर का और बांसवाड़ा का है वो उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि ये कर्क रेखा से नीचे की ओर है, तो ये उष्ण कटिबंध में आता है। ये आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस मानसूनी शाखा के कारण होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा होती है वो किस मानसूनी शाखा के कारण होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण होती है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जो हैं वो दो भागों में बंटती है, एक तो होती है बंगाल की खाड़ी की पवनें और एक होती है अरब सागरीय मानसूनी पवनें। तो राजस्थान में जो अधिकांश बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी पवनों के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां जो होती है वो किस जिले में आती है। तो इसका सही आंसर है गंगानगर, सर्वाधिक आंधियां गंगानगर जिले में आती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है किस भाग में होती है, इसको घुमा घुमा के कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में होती है। कहाँ होती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। इसके अलावा आप लोगों को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि सिरोही का, ध्यान रखना किसका, सिरोही का पहाड़ी भूभाग, पहाड़ी क्षेत्र, इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, ये जो जगह हैं इनमें भी 100 सेमी से अधिक बारिश होती है। औसतन जो है वो 100 सेमी से अधिक बारिश वाले क्षेत्र है, ठीक है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? ध्यान रखना, राजस्थान के पूर्वी भाग में पूछा है कि राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा का सामान्य औसत क्या है। तो इसका सही आंसर है 50 से 75 सेंटीमीटर, ये वार्षिक वर्षा का औसत है। अगला क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा राजस्थान के किस जलवायवीय खंड में आता है, किस जलवायवीय भाग में आता है? तो इसका सही आंसर है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ये ध्यान रखना, ये जो शब्द है वो ऐसे के ऐसे याद रखना, ये ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी राजस्थान की जलवायु परिस्थितियां सामान्यतः होती है, पूर्वी राजस्थान जो है उसकी जलवायु परिस्थितियां कैसी होती है, ये पूछा गया है। तो ये नम होती है। कैसी होती है दोस्तों? नम प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा का 90% कब प्राप्त होता है? कि राजस्थान में जो कुल वर्षा होती है, वर्ष में जो कुल वर्षा होती है उसका 90% भाग किन महीनों में प्राप्त होता है? तो ये आप लोगों को पता है, जुलाई और अगस्त के माह में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भाग में शुष्क जलवायु रहती है? शुष्क मतलब जहाँ पर नमी बहुत कम होती है, ऐसी जलवायु कहाँ पर हो सकती है? तो आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, कहाँ पर होती है? ये पश्चिमी भाग में होती है, पश्चिमी जिधर थार का मरुस्थल है उस जगह पर शुष्क जलवायु रहती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु रहती है? शेखावाटी क्षेत्र जो है उसमें जलवायु की स्थिति कैसी रहती है? तो कोपेन के अनुसार ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। तो उस भाग में जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क प्रकार की रहती है। किसके अनुसार है? कोपेन के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? देखो, राजस्थान में सबसे बड़ा भूभाग जो है वो थार मरुस्थल का है, तो सबसे बड़ा जलवायु खंड भी उसी साइड का होगा। और उधर जलवायु कैसी होती है अभी हमने बात की, तो इसका सही आंसर है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। जो मैं अभी बता रहा था वो स्थिति है कि शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सर्दियों में वर्षा किन हवाओं के कारण होती है? इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वर्षा जो है सर्दियों में वो किन हवाओं के कारण होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण। ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं ये मध्य एशिया व भूमध्य सागर ये क्षेत्रों से आने वाली हवाएं होती हैं। ये हवाएं सर्दियों में वर्षा करती है, जिसे हम मावट कहते हैं, जिसकी हम बात कर चुके हैं। दोस्तों ये जो मावट है, ये जो वर्षा है, ये रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। किस कौन सी फसल के लिए? ध्यान रखना, ये रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो दोस्तों ये आज के अपने 20 क्वेश्चन हैं। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मैं आप लोगों से एक सजेशन और लेना चाहता हूँ। मुझे बच्चे अक्सर फ़ोन करके बताते हैं कि सर आप 20 क्वेश्चन की जगह चाहे 10 क्वेश्चन ले लो, लेकिन जो 10 क्वेश्चन बताओ उनको थोड़ा अच्छे से डिटेल से समझाओ। तो मैं आप लोगों से ये सजेशन लेना चाहता हूँ कि अपन जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, या क्वेश्चन 10 करके थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करें। तो आप मुझे ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।